Hello aspirants, a very good morning. This is Zaheer and I welcome you back to SSB Crack Exams, your one-stop destination for all defense related examinations. You name it, we have it. Okay, bachcho, very pleasant good morning to each and every one of you. Aur ab sabhi ko Jai Hind. Okay, Rahul Singh, Suraj Sharma, Karo, Sayed, Prakash, Deepak Pawar, Ambika, Praveen, Sohan, Himanshi, Kinshuk Sahani, आकाश जैन. ओके जुड़ जाओ बच्चों, फटाफट से जुड़ जाओ. रोही सिंह, कृष्णा आरण. ओके गुड, बाकी के बच्चों को भी जोड़ो. ठीक है, पिछले जो कपल ऑफ डेज हमने जो कुछ भी इंपॉर्टेंट से करंट अफेयर्स और अपडेट्स मिस किए हुए थे आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, 6th to 8th February. ओके, बाकी के बच्चे भी इन टाइम जुड़ते रहेंगे. जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएसबी क्रैक एग्जाम इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन पोर्टल फॉर डिफेंस रिलेटेड एग्जामिनेशन. वी प्रोवाइड यू विद वीडियो लेक्चर, जबरदस्त कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ होते हैं. डेली करंट अफेयर्स और डेली डिफेंस अपडेट्स लाइव क्लास आपको मिल जाएंगे. अभी तो एफ कैट के मैराथन चल रहे हैं बच्चों, फुल फ्लेज्ड 4 o'clock से शाम में. ठीक है, जरूर अटेंड करना अगर आप एफ कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. स्टडी प्लान्स और स्टडी नोट्स बहुत ही क्रिस्प और क्लियर होते हैं. अपडेटेड हमारा सिलेबस होता है. जो कोई भी रिक्रूटिंग एजेंसी हो उसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न को फॉलो करके सब कुछ बनाया जाता है. मॉक टेस्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है बच्चों, एंड थ्रू रैंक एनालिसिस हम ही बता देंगे कि वेयर आर यू एक्चुअली स्टैंडिंग. ठीक है, ऑफलाइन एक्सेस भी आपको मिल जाएगा. डाउनलोड कीजिएगा एसएसबी क्रैक एग्जाम्स ई लर्निंग ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगर नहीं तो प्ले स्टोर जाके भी डाउनलोड कर सकते हो. सो दीज आर ऑल द कोर्सेस, और भी कई कोर्सेस और भी नए नए कोर्सेस भी लॉन्च करने वाले हैं बच्चों. एनडीए, सीडीएस, एफकैट, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, टेरिटोरियल आर्मी और एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड भी फुल फ्लेश्ड ऑनलाइन कोर्स हमारे पास अवेलेबल है. तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, आप भी जाकर जरूर खरीदिएगा. ठीक है, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तब भी अच्छी बात है. टेस्ट सीरीज जरूर लें क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही रिविजन भी हो जाएगा सब्जेक्ट का और एग्जाम में सिलेक्शन होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे. लेक्चर का पीडीएफ जैसे कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले जब आप ऐप में जाएंगे कोर्स या कोई बंडल खरीदेंगे देयर यू विल फाइंड डेली करंट अफेयर्स एंड डिफेंस अपडेट्स 2022. इस तरीके से ऑलरेडी एक कोर्स अवेलेबल है फॉर 2020-21 बच्चों. ठीक है, वहां पर आप 2021 के ईयरली जो रिव्यूज किए हुए थे हमने वो भी आपको मिल जाएंगे. सो देयर यू कैन गो एंड डाउनलोड मेरे और दिव्यांशु सर के लेक्चर्स, वहीं पर आपको मिल जाएंगे. अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी से डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट ssbcrackexams.com के ब्लॉग को विजिट करते रहिएगा. टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब कम्युनिटी पेज को भी फॉलो जरूर करते रहिएगा. वॉरियर 10 इज अ कोड विच यू शुड यूज सो दैट यू गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट. ठीक है, ओके. फटाफट से हाउ मेनी ऑफ यू आर जिंदा अलाइव एंड किकिंग, हाउ इज द जोश बच्चों. ओके, बर्थडे है क्या? मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सैयद बेटा. ओके गुड, कितने बच्चे हैं जोश में? शैल वी बिगिन? बाकी के बच्चे कहाँ हैं? जुड़ाओ ने बुलाओ, वेयर आर दे? ओके गुड, लेट अस बिगिन. ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आए इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना. चैनल पर नए हो डू सब्सक्राइब एंड स्प्रेड द वर्ड अबाउट एसएसबी क्रैक एग्जाम्स. क्वेश्चन ऑफ द डे हमने पूछा हुआ था, बहुत आसान था. चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? आर्टिकल 280, रिमेंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये आर्टिकल. ठीक है, आर्टिकल 280 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रावधान दिया जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब चाहे तब, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 साल में एक बार. ऑफकोर्स हमने रेगुलरली एक व्यवधि फॉलो की है कि 5 ईयर्स में एक बार फाइनेंस कमीशन को बिठाया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जब जरूरत पड़े वो फाइनेंस कमीशन को बिठा सकते हैं. ठीक है, फाइनेंस कमीशन क्या करेगा? डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यू, वो देखेगा कि किस तरीके से स्टेट्स और सेंटर के बीच पैसे बटे जाएंगे, किस तरीके से आप स्टेट्स को ग्रांट्स देंगे, एड्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, जितना भी पैसा कमाती है सरकार वो किस तरीके से मिल बांट कर वो लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे. और भी कई चीजें फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है. ठीक है, रिकमेंडेटरी बॉडी है बच्चों, मैंडेटरी बॉडी नहीं है. यानी कि भारत सरकार पर ये प्योरली डिपेंड करता है कि वो इसे फॉलो करेंगे या नहीं. तो हाल ही में जो 15वां फाइनेंस कमीशन आया हुआ था उसके चेयरमैन थे एनके सिंह. ठीक है, नंद किशोर सिंह इज द करेक्ट आंसर. वो फॉर्मर रेवेन्यू के सेक्रेटरी थे जिन्होंने इस पैनल को हेड किया हुआ था, और शक्तिकांत दास जी जो कि हमारे आरबीआई के अभी करंट गवर्नर है वो भी इसके मेंबर थे. ठीक है, तो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन वॉज एन के सिंह.
सो मूविंग टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, हाल ही में ही हमने चौरी चौरा इंसिडेंट के 100 साल कंप्लीट किए हुए थे, मार्क किए हुए थे, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, टुडे वी मार्क 100 ईयर्स ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट, शेयरिंग माई स्पीच फ्रॉम लास्ट ईयर वेन द सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ द इंसिडेंट बिगन, आई स्पोक अबाउट वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग द हीरोज ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। दरअसल जब गांधी जी वापस आए हुए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया 1915 में, तब गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, यू नो दादाभाई नौरोजी, ऐसे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज के साथ उनका मिलना हुआ। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ओपनिंग सेरेमनी में भी वो गए, स्पीच दिए। यू नो इसी के दौरान उनके जो मेंटर थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा कि यू हैव टू टेक अ टूर ऑफ इंडिया, आपको इंडिया को आपकी बहुत जरूरत है। तो 2 साल दौरा उन्होंने किया और 1917 में परमानेंटली उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि साउथ अफ्रीका को छोड़कर अब मैं इंडिया में ही फुल फ्लेज सेटल हो जाऊंगा और यहीं से जो है मैं अब इंडिया के फ्रीडम के लिए काम करूंगा। ठीक है, तो उसी के चलते हुए उन्होंने मेजर मूवमेंट्स भी लॉन्च किए हुए थे, चंपारण मूवमेंट, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा मूवमेंट, ये सभी मूवमेंट्स चलने के बाद INC इंडियन नेशनल कांग्रेस वालों को पूरी तरीके से एक कॉन्फिडेंस आया हुआ था कि एक नेशनल लीडर हमें मिला हुआ है जिसके आइडेंटिटी पर पूरे देश को हम एक कर सकते हैं। जो लीडर क्राइसिस था, ठीक है, वो अब नहीं होने वाला है। तो नागपुर सेशन में एक सेशन, नागपुर का सेशन चला गया था 1920 में, जहां पर फुल फ्लेज्ड एक कमान जो है वो महात्मा गांधी जी के हाथ में दी गई थी कि आप फुल फ्लेज्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कीजिएगा। ठीक है, तो August 1, 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था, लेकिन इसके पॉलिटिकल कैंपेनिंग्स वो September 4, 1920 से शुरू किए गए थे। बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 4 September 1920 से इसके पॉलिटिकल कैंपेन्स, यानी कि हड़ताल करना, देसी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना, विदेशी प्रोडक्ट्स को जलाना वगैरह, फुल फ्लेज्ड पूरे देश में हड़कंप मचा दिया हुआ था। इंटरनेशनल यू नो मीडिया में भी ये बहुत ही हलचल कर रहा था, लोगों को लग रहा था कि अब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल ही जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली चौरी चौरा इंसिडेंट, जो कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाउन था उत्तर प्रदेश में, वहां पर एक वायलेंट मॉब जो है ऑन 4 February 1922 एक वायलेंट इंसिडेंट यहां पर चलता है बच्चों, जिसके तहत एक लार्ज क्राउड ऑफ पेजेंट्स फार्मर जो है वो एक पुलिस स्टेशन को जला देते हैं, जिसके तहत 22 पुलिसमैन की मौत हो जाती है। और महात्मा गांधी सख्ती से हिंसा के खिलाफ थे, उन्हें एक बात समझ में आ गई हुई थी कि जिस अहिंसा को लेकर मैं आगे बढ़ना चाह रहा था वो लोगों में अभी अच्छी खासी तरीके से फैला नहीं है। ठीक है, वो बहुत ही फर्म थे इस पर, तो लिटरली उन्होंने अनाउंस किया कि वी हैव टू कॉल इट ऑफ। ठीक है, तो उसी के चलते हुए चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अब्रप्टली कॉल ऑफ किया गया। बहुत से लोग इससे नाराज भी थे, इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू नाराज थे, सरदार पटेल नाराज थे, और तो और गया सेशन 1922 के बाद सीआर दास और मोतीलाल नेहरू तो सेपरेट हो जाते हैं और स्वराज पार्टी एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसको हाल ही में 100 साल कंप्लीट हुए हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इज, हाल ही में इंडिया की भी विक्ट्री हुई है, U19 वर्ल्ड कप का टाइटल हमने जीता हुआ था रिकॉर्ड 5th टाइम बच्चों। ठीक है, पूरे 14 एडिशंस अब तक इस वर्ल्ड कप के चले हुए हैं U19 वर्ल्ड कप के। ठीक है, तो उसमें से 5 बार हम ही ने जीता हुआ, इंडिया ने झंडे गाड़े हुए हैं। तो इस साल के होस्ट वेस्ट इंडीज थे, एक कैरेबियन नेशन एंटीगुआ में फाइनल्स चल रहे थे, तो इंग्लैंड को 4 विकेट के यू नो डिफरेंस से हराकर हमने टाइटल जीता हुआ था। और दिस वॉज एक्चुअली अवर 5th टाइटल यू नो, एंड दिस वॉज 9th टाइम वी हैव एंटर्ड द फाइनल, 9th time we have entered the final, 5th time we have won the title and across the 14 editions. इंपॉर्टेंट है बच्चों, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी ट्वीट किया हुआ था कि यंगस्टर्स हमारे बहुत ही जबरदस्त से आगे जा रहे हैं, और देखो उन्होंने कहा द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट इज इन सेफ एंड एबल हैंड्स। ठीक है, हमने विराट कोहली को भी देखा हुआ था, वो भी U19 से ही शाइन होकर आए हुए थे, और आज आप देख रहे हैं कि कितने एक पॉपुलर एक पर्सनैलिटी और एक यू नो फिनोमिनल स्पोर्ट्समैन है विराट कोहली। ठीक है, तो U19 वर्ल्ड कप भी इस साल हमने जीता हुआ है, और यह सबसे बड़ी दुखद चीज जो हाल ही में हुई है बच्चों, नाइटिंगेल आप कह लें, सुरों की सरस्वती आप कह लें, मेलोडी क्वीन आप कह लें, जिन्होंने 7 दशकों तक पूरे, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ इंडियन म्यूजिक को बल्कि वर्ल्ड म्यूजिक को जिन्होंने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हुए थे, श्री लता मंगेशकर जी, उनका निधन हो गया। ठीक है, शी पास्ड अवे, वी ऑल प्रे के मे हर सोल रेस्ट इन पीस। ठीक है, सो एट द एज ऑफ 82 बिकॉज ऑफ कोविड कॉम्प्लिकेशंस उनका निधन हुआ बच्चों, और भारत सरकार ने दो दिन का राष्ट्रीय श्लोक जो है शोक जो है वो अनाउंस किया हुआ है, नेशनल मॉर्निंग इन हर मेमोरी। ठीक है, एंड एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग विल फ्लाई एट 1/2 मास्ट फॉर टुडे, इस तरीके से, वरना हम यहां पर चढ़ाते हैं, देखो
फुल मास्ट इसे कहते हैं, यहाँ पर जब फ्लैग चढ़ा दिया जाता है। अगर कोई प्रोमिनेंट पर्सनालिटी का निधन हो एज अ मार्क ऑफ द रिस्पेक्ट, फ्लैग को इस तरीके से हाफ मास्ट यानी कि बीच में ही उसे अनफर्ल किया जाता है, ठीक है। सो स्टेट फ्यूनरल्स भी उन्हें दिए गए थे शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र में, सभी इंपॉर्टेंट दिग्गज पर्सनैलिटीज इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी वहां पर गए हुए थे, ठीक है। और पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के अवार्ड जैसे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी प्रोमिनेंट अवार्ड्स को भी उन्होंने जीता हुआ था, ठीक है। तो भारत रत्न से उन्हें नवाजित किया गया था 2001 में। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, द वेरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से लेकर अभी करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक भी बहुत ही लोकप्रिय रही थी श्री लता मंगेशकर जी, एंड शी विल फॉर एवर लिव ऑन विथ हर सॉन्ग्स एंड विथ हर मेलोडियस वॉइस। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इज, हाल ही में ही हमने सूफीज्म भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को इनॉग्रेट करते हुए देखा श्री रामानुजाचार्य का। तो अभी भक्ति मूवमेंट से अभी भक्ति मूवमेंट के टाइम फ्रेम का ही एक सूफीज्म जो इंडिया में फ्लरिश हो रहा था बच्चों, सो उनसे रिलेटेड एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि चिश्ती सिलसिला या फिर घराने के फाउंडर हैं या फिर उसे आगे ले जाने वाले हैं इंडिया में, तो उनका 8th-10th उर्स, उर्स एक एक्चुअली एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है एक एनुअली हर साल, जो विच कॉमेमोरेट्स द डेथ एनिवर्सरी। उर्स सिर्फ हर आपने देखा होगा आपके भी गांव में दरगाह वगैरह होंगे, सूफियों की बारगाह जहां पर होती है, तो हर साल उर्स मनाया जाता है। यू नो इट इज एक्चुअली अ क्वाइट डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन इस्लाम। यहाँ पर डेथ को सेलिब्रेट किया जा रहा है क्योंकि दीज सूफीज एंड दीज सेंट्स दे लिव दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड दे रीच टू द अडोब ऑफ देयर गॉड, यू नो वो इस दुनिया को छोड़कर अपने खुदा के पास जा रहे हैं, तो ये खुशी की बात है, ठीक है। इस तरीके से यू नो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, हम फिर कभी उसके बारे में इनडेप्थ बात करेंगे। तो उसी उर्स को, उसी डेथ एनिवर्सरी को कॉमेमोरेट करते हुए ना ये बहुत ही धूमधाम से ये फेस्टिवल्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मनाए जाते हैं, तो उसी तरीके से 810th उर्स जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मनाया जा रहा है। और हर साल की तरह इस साल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने चादर भेजी हुई थी, ठीक है। सभी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज भेजते हैं बच्चों, सोनिया गांधी जी हो या फिर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, इवन स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने प्रेजेंटेशन वहां पर भेजते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी इज प्रेजेंटिंग द चादर, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, सूफिज्म भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सूफिज्म से रिलेटेड भी डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आते हैं। हमने ये भी देखा द टर्म चिश्ती डिराइव्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स, तो अफगानिस्तान चिश्त टाउन से आता है। तो लेकिन दरअसल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वो पर्शियन रीजन के, ईरान के सिस्तान रीजन में, दरअसल अफगान ईरान के आसपास के ही रीजन के वो थे, ठीक है। तो लिटरली पहले इस्लामी नॉलेज वो हासिल करने के बाद यू नो ही केम आउट ऑफ हिज होम टाउन टू प्रोवाइड ह्यूमन सर्विसेज फॉर द ह्यूमैनिटी। तो ये जो सूफी वर्ड आप देखते हैं ना, सूफी दरअसल इसके कई टर्म्स कई अलग अलग मीनिंग्स हैं बच्चों। चंद हिस्टोरियंस का ये कहना है इसका मतलब सुफ होता है, विच मीन्स एन एरिया आउटसाइड द होम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद जो मदीना में रहते थे उनके घर के बाहर ना एक छोटा सा स्पेस हुआ करता था जहां पर वो बैठकर अपने फॉलोअर जो सहाबा होते थे उनके साथ रिलीजियस डिस्कोर्स करते थे, वहां पर बात किया करते थे रिलीजियन पर, खुदा के बारे में। तो सूफी सफ, मेनी पीपल हैव जॉइंड द वर्ड विद द टर्म सफ या फिर सूफी, और कई लोगों का यह भी कहना है कि दिस टर्म इज एक्चुअली रिलेटेड विद सुफ, अरबिक में सुफ, वुल, द वन हू वेयर्स उल, वुल के जो कपड़े पहनते हैं ना बच्चों, एक ऑस्टेरिटी आपको मिलती है, एक सिंप्लिसिटी आपको इससे मिलती है, बड़े भारी भरकम यू नो मसलिन के सिल्क के कपड़े ना पहनकर एक वूल का कपड़ा पहनना, तो इस तरीके से अलग अलग इसके एटिमोलॉजीज हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन सूफिज्म जो स्पेसिफिकली वो फोकस करता है स्पिरिचुअल सर्च ऑफ गॉड एंड शंस मेटीरियलिज्म, दुनियाई वर्कशिप सेक्रीफाइस को असाइड रखकर वो यू नो सूफिज्म चाहता है कि आप खुदा को अपने अंदर ढूंढें, स्पिरिचुअल सर्च करें खुदा की। दिस इज वेयर द रियल यू नो रियल भक्ति और द रियल वर्कशिप और द रियल लव फॉर योर क्रिएटर लाइज। और चार सूफी सिलसिले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बच्चों इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी एंड कादरिया। दीज आर द फोर प्रोमिनेंट सूफी सिलसिला और ऑर्डर्स दैट आर रनिंग टिल नाउ, ठीक है, और दीज आर द फोर प्रोमिनेंट वन। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, कल पार्लियामेंट में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन वालों ने क्लैरिटी दी हुई थी बच्चों के, पहली बार इंडिया में नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी, फुल फ्लेज्ड एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 लॉन्च करवाने वाले हैं, ठीक है। एयर स्पोर्ट्स जैसा कि आप सभी को पता है क्या क्या कवर करेगा भाई बच्चों ये ड्राफ्ट पॉलिसी, एरोबैटिक्स, एरो मॉडलिंग,
अमेच्योर बिल्ट एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बलूनिंग, ड्रोन ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैरा ग्लाइडिंग, ये सभी जितने भी हैं सभी हवा में ही करने वाले हैं, ठीक है, लैंड पर कुछ नहीं होता। तो उसी से रिलेटेड कल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन वालों ने ये क्लैरिटी दी कि नॉट जस्ट ये सभी को हम पुश करेंगे बट इनकी इंडस्ट्री को भी पुश करना जरूरी है। बच्चों अभी देखो ये पैराग्लाइडिंग कर रहा है, ठीक है, अब इसके लिए मशीनरी तो चाहिए, इक्विपमेंट, इंडिया में किस तरीके से इसका प्रोडक्शन हो रहा है, इन सभी के बारे में भी चर्चा की जाएगी, ठीक है। और आत्मनिर्भर भारत अभियान, सेल्फ रिलायंट इंडिया को बनाने के लिए जिस तरीके से हमने अलग अलग मंत्रालय वालों ने अलग अलग ड्रोन्स में भी हमने इस तरीके की पॉलिसी लॉन्च की हुई थी, ठीक है, तो उसी तरीके से हम नेशनल एयर स्पोर्ट्स को पुश देने के लिए भी डोमेस्टिक डिजाइन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चर करवाने के लिए भी इस तरीके के एयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है वो आत्मनिर्भर भारत के अंडर हम पुश करेंगे, ठीक है। ये हॉट एयर बलूनिंग वगैरह आप सभी देख सकते हैं, तो इसके लिए प्रोडक्ट्स की भी तो बहुत जरूरत है, तो पहले इंडिया उसका भी हब बन जाए, उसके बाद ऑटोमेटिकली एयर स्पोर्ट्स जो है यहां पर फेमस हो जाएंगे। पर गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि अभी से वो ध्यान रखेंगे कि इंडिया जो है ग्लोबल एयर स्पोर्ट्स इवेंट, जहां कहीं पर भी इस तरीके के ग्लोबल एयर स्पोर्ट इवेंट चलेंगे वहां पर इंडिया को जो है या फिर इंडिया के पार्टिसिपेशन को भारत सरकार पुश करने की कोशिश भी करेगी। और स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी एयर स्पोर्ट्स को उनके करिकुलम का एक हिस्सा बनाने की भी ताकीद की गई थी और वहां पर इंकरेज भी उन्हें किया जाएगा, ठीक है। और फॉर दिस ईयर 2021-22 1 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट किए गए थे इस स्कीम के लिए, और ये क्लैरिटी दी गई कि अभी उस पैसे को खर्चा नहीं किया गया है। एक बार अगर हम नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 को फाइनलाइज कर दें, हम इसे एडिक्वेटली स्पेंड करेंगे पूरे देश भर में, जहां कहीं पर भी इसे खर्चा करने की जरूरत हो। और एक फुल फ्लेज्ड एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जैसे हम स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया देखते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स के फेडरेशन होते हैं ना, उसी तरीके से एक फुल फ्लेज्ड एयर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हम एक एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का भी एस्टैब्लिशमेंट करेंगे। तो बहुत ही अच्छी बात है, आप में से कोई भी डेयर डेविल्स हो जो एयर स्पोर्ट्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी अगर आप कॉलेज स्कूल में हैं तो कांग्रेचुलेशंस, विद इन अ कपल ऑफ इयर्स वी कैन फाइंड के स्कूल और कॉलेज करिकुलम में भी इसका एक हिस्सा बना दिया जाएगा। दिस इज अ रियल गुड इनिशिएटिव दैट हैज बीन टेकन। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इज नीति आयोग फिनटेक ओपन समिट जो है वो लॉन्च किया गया बच्चों, या फिर इनॉग्रेट किया गया। अश्विनी वैष्णव जी जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ रेलवेज भी हैं और मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी भी हैं, ठीक है, तो उन्होंने इसे लॉन्च किया हुआ था बच्चों। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये समिट डील करेगा, जितने भी बड़े बड़े दिग्गज फिनटेक के कंपनीज हैं, चाहे वो फोन पे हो या फिर पेटीएम या फिर अलग अलग आप देखते हैं ना बच्चों, इन सभी पर बात की जाएगी, जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल इन दैट। और नीति आयोग के साथ साथ ये AWS, EY और फोन पे तीन जो है वो लोग मिलकर इस सेशन को चला रहे हैं, और 3 वीक लॉन्ग ये वर्चुअल समिट चलेगा, पूरे 3 हफ्तों तक ये समिट चलेगा बच्चों, फिनटेक ओपन फ्रॉम 7th to 28th February। और एक अपडेट भी ये दिया गया था कि करंटली 270 बैंक्स आर कनेक्टेड टू द UPI एंड कंट्रीज फिनटेक अडॉप्शन रेट इज हाईएस्ट ग्लोबली एट 87%। दिस इज रियली अ व्हूपिंग नंबर, 87% पॉपुलेशन जो है वो फिनटेक को अडॉप्ट करने की ओर आगे बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं करोड़ों में ट्रांजैक्शंस हम चला रहे हैं, ठीक है, इवन अब 5-10 रुपए के लिए भी अगर आप धनिया वगैरह भी खरीद रहे हैं तो वहां पर भी आप फोन पे का इस्तेमाल करते हैं। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक जिसे हम कहते हैं एक टर्म जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पर वर्चुअल समिट में यही डिस्कस किया जाएगा कि किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज इंडिया में है और किस तरीके से हम उसे टैप कर सकते हैं। और खासकर इस फिनटेक ओपन समिट का सेशन का ऑब्जेक्टिव्स, 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं बच्चों, 3 एम्स या फिर गोल्स हैं इसके। सबसे पहला, एंकरेज एन ओपन इकोसिस्टम अक्रॉस फिनटेक टेक्नोलॉजी या फिर फिनटेक इंडस्ट्री। पहले लोग आए तो आए, ठीक है, मोनोपोली किसी की भी ना हो इसमें, सभी जो है जो कोई भी अच्छा, अभी आप देख सकते हैं फोन पे, पेटीएम, भारत पे, क्रेड, रेजर पे, ऐसे कई इस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग क्वालिटीज के साथ आते हैं। तो पहले तो एक ओपन इकोसिस्टम एंकरेज करते हैं, एक दूसरे को कुचलने की कोशिश ना करते हैं, ठीक है। फॉस्टर इनोवेशन एंड ग्रोथ, अभी आप देख सकते हैं कि कई इस तरीके के कंपनीज भी हैं जो यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज भी लाते हैं, ऑफर्स वगैरह भी देते हैं उन्हें, डिस्काउंट्स वगैरह। तो इनोवेशन और ग्रोथ को भी हम साथ लेकर चलें। और तीसरा, इंश्योर फाइनेंशियल इंक्लूजन सबको लेकर चलें। फाइनेंशियल आप सभी को पता है कि सभी को फाइनेंशियली इंक्लूज इसमें करें, और लेवरेज न्यू मॉडल्स लाइक अकाउंट एग्रीगेटर टू अनलीश द नेक्स्ट वेव ऑफ फिनटेक इनोवेशन, के ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन इसमें किया जाए।
कम से कम नॉलेज वाला भी इसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि रूरल एरियाज में अभी भी स्मार्टफोन्स नहीं पहुंचे हुए हैं पूरी तरीके से, तो उनके हाथ में भी एक फिनटेक का ऐप हो, ठीक है, वो भी फिनटेक का इस्तेमाल करने लगे, यहाँ पर हम पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी ये सेशन चल रहा है, ठीक है, 3 वीक्स तक चलेगा, लेट अस वेट के क्या कुछ इंपॉर्टेंट से अग्रीमेंट्स एमओयूज वगैरह हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। यस, कैशबैक्स डिस्काउंट्स वगैरह सब कुछ दिए जाते हैं, गुड। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इज इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च्ड। दरअसल बच्चों देखो, इतने ये सभी नंबर्स ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष के अंडर ये कई हेवी नंबर्स भी देते हैं, ठीक है, कि प्रेग्नेंट लेडीज को, बच्चों को कितने वैक्सीनेशन वगैरह, आप एक बार ओवरव्यू देख लीजिएगा, ठीक है। 2014 में लॉन्च किया गया था बच्चों फुल इम्यूनाइजेशन के लिए, ठीक है, फुल इम्यूनाइजेशन थ्रू वैक्सीनेशन भी आप कह लें, जहां पर पहले हमने बच्चों को टारगेट किया हुआ था कि छोटे छोटे बच्चे जो थे उन्हें हम फुल्ली वैक्सीनेट करेंगे, फुल्ली इम्यूनाइज करेंगे, 7 अलग अलग जो वैक्सीन दिए जाते हैं इमीडिएटली बर्थ के बाद अंडर 1.5 और 2 ईयर्स ऑफ एज। तो इस तरीके से हमने मिशन इंद्रधनुष पहले लॉन्च किया, वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा, और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत रिवैम्प किया मिशन इंद्रधनुष 2.0, जहां पर हमने प्रेग्नेंट लेडीज को भी इन्वॉल्व किया कि नहीं, बच्चे को वैक्सीनेशन माँ के पेट में से ही देना जरूरी है, ठीक है, वहीं से ही हम उसे वैक्सीनेट कर सकते हैं, यानी कि चंद ऐसे वैक्सीनेशन है जो काम करते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रेग्नेंट लेडीज को भी उसमें कलेक्ट किया हुआ था। अगेन वी वेंट फर्दर अहेड जब हमने गोल रीच किया हुआ था मिशन इंद्रधनुष 3.0, ठीक है, जहां पर और थोड़ा सा हमने यू नो टारगेट जो है वो आगे को बढ़ाया हुआ था। और कल मानसुख मंडविया जी जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं, उन्होंने फुल फ्लेज्ड मिशन इंद्रधनुष 4.0 और आगे फोर्थ फेज उसका लॉन्च किया हुआ था। तो उन्होंने अपडेट दिए थे कि एनुअली 3 करोड़ वुमेन्स एंड 2.6 करोड़ चिल्ड्रन थ्रू यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैव बीन वैक्सीनेटेड थ्रू दिस मिशन इंद्रधनुष। तो बहुत ही जबरदस्त सी चीज है, और बिकॉज ऑफ कोविड ये जो है यूनिवर्सल कवरेज इस साल टच नहीं कर पाए हम, ठीक है। दरअसल वो 2022 तक हम 100% वैक्सीनेशन को टच करना चाहते थे, लेकिन ड्यू टू कोविड काम बहुत ही धीमे हुए थे, लेकिन अब हम उस गैप को भी थ्रू दिस मिशन इंद्रधनुष 4.0 हम उसे भी कवर करने वाले हैं। दिस इज व्हाट मंत्री साहब सेड। और इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष विल हैव 3 राउंड्स एंड विल बी कंडक्टेड इन 416 districts इंक्लूडिंग 75 districts आइडेंटिफाइड फॉर आजादी के अमृत महोत्सव अक्रॉस 33 states एंड यूनियन टेरिटरीज इन द इंडिया। मैंने आपको स्टेट्स के नाम भी पीडीएफ में लगाए हुए हैं कि पहले कहां कहां पर होगा, किस तरीके से वहां पर प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाएगा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिशन इंद्रधनुष 4.0 या फिर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा बहुत गैप आया हुआ था, उस गैप को भी हमें फिल करना है, तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 हैज बीन लॉन्च्ड। बच्चों आर यू देयर? ओके, हाउ इज द जोश? लाइक करो, कई बच्चों ने अभी लाइक नहीं किया। द रिटर्न विच वी आस्क फ्रॉम यू इज योर लव एंड सपोर्ट, ठीक है। ओके गुड, दैट वाज ऑसम। सो दिस वाज द लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर टुडे, मूविंग टुवर्ड्स रिव्यू क्वेश्चंस, ठीक है, रिव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था बच्चों? ध्यान से, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1919 में रॉयल एक्ट पास करने के बाद क्या होता है, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक जो सत्यपाल जी जो है उन्हें अरेस्ट किया जाता है पंजाब में। उनके अरेस्ट के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अमृतसर में देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु गो देयर टू प्रोटेस्ट, वहां पर जलियांवाला बाग मैसेकर, यानी कि जलियांवाला बाग मिस्टेक पहले होता है ब्रिटिश से, और दूसरा खिलाफत भी जो है वो डिथ्रोन की जाती है, ओटोमन एम्पायर जो के बहुत ही पावरफुल एम्पायर था वर्ल्ड वॉर टाइम फ्रेम में जब चल रहा था, तो उसे भी डिथ्रोन किया गया था। खिलाफत जो पावरफुल सिस्टम था, आज जैसे आप क्रिश्चियंस में पोप देखते हैं उसी तरीके से मुसलमानों के लिए खलीफा होते थे, तो वहां पर भी खिलाफत को कहीं ना कहीं अबॉलिश करने की कोशिश की जा रही थी। तो खिलाफत रॉन्ग और जलियांवाला बाग रॉन्ग, दोनों को टारगेट करके बापू ने 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया हुआ था, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 1920। रिमेंबर 1st अगस्त को, 1st अगस्त 2020 सॉरी 2020 कह रहा हूं मैं, 1920, ठीक है, 1st अगस्त 1920 को ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था बच्चों, और 4th सितंबर को उसके पॉलिटिकल कैंपेन्स जो थे वो लॉन्च किए गए थे। स्वदेशी एंड वंदे मातरम मूवमेंट्स आर एसोसिएटेड विद,
किससे एसोसिएटेड है। सेशन को लाइक करो बच्चों, डोंट फॉरगेट टू लाइक, ठीक है। नया फोन मिलेगा आपको, स्क्रीन तोड़ो, पेरेंट्स को बताओ जहीर सर की क्लास सुननी है, नया फोन चाहिए, ठीक है, मिल जाएगा बच्चों। थोड़ी बहुत मार भी खा लोगे तो क्या होगा, कोई टेंशन नहीं है। एक्सेलेंट बच्चों, हम तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में ही बात कर रहे थे, तो मोस्ट प्रॉब्ली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही होगा, इसीलिए आप सभी ए लिख रहे थे, ठीक है, गुड, वेरी गुड। अरे मेरे भाई, स्वदेशी एंड वंदे मातरम मूवमेंट आर एसोसिएटेड विद पार्टीशन ऑफ बंगाल, नॉन कोऑपरेशन खुद ही एक मूवमेंट था, समझ में आ रही है बात आपको। देखिए, किसी ना किसी इवेंट के बाद एक स्पार्क लगता था, पूरे भारतवासी जाग जाते थे, थोड़ी बहुत यू नो असेंबल होते थे, कंपाइल होते थे, भूख हड़ताल करते थे, बाद में कुछ ना कुछ ब्रिटिश वाले करते थे तो अगेन साइलेंट पड़ जाते थे वो लोग, ठीक है। तो इट वॉज अ प्रोलॉन्ग स्ट्रगल, एक या दो साल में आप एम्पायर्स के खिलाफ लड़ नहीं सकते, ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ जो हमने लड़ाई की वो एक या दो साल की नहीं थी। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का स्पार्क क्या था बच्चों, जलियांवाला बाग मैसेकर था, रॉयल एक्ट था और खिलाफत था, ठीक है, इन तीनों इवेंट्स का स्पार्क था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्पार्क क्या था, टैक्स, साल्ट टैक्स, हद से ज्यादा ब्रिटिश लोग जो है वो आगे बढ़ रहे थे। और क्विट इंडिया मूवमेंट तो गांधी जी का सबर का बांध टूटा हुआ था, क्रिप्स प्रपोजल भी फेल हो चुका हुआ था, अब ये लोग जाने वाले नहीं थे, डू और डाई गांधी जी ने वहां तक कह दिया। लेकिन स्वदेशी और वंदे मातरम मूवमेंट्स का स्पार्क वो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 से आता है, ठीक है। बंगाल को लॉर्ड कर्जन ने जब तोड़ा हुआ था, दैट वॉज द इवेंट दट लेड टू द स्पार्क विच वेयर वी फाउंड द स्वदेशी एंड द वंदे मातरम मूवमेंट्स बीइंग लॉन्च्ड, ठीक है। स्वदेशी नॉर्थर्न साइड चल रहा था, डेल्टा एक आंध्र प्रदेश के रीजन में, आंध्रा के रीजन में वंदे मातरम मूवमेंट्स हम चला रहे थे। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, ट्रीटी ऑफ सेवरस किससे एसोसिएटेड है, इंपॉर्टेंट ट्रीटी है बच्चों इंटरनेशनल सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ सेवरस दरअसल वर्ल्ड वॉर वन का पार्ट है बच्चों, इसी ट्रीटी के चलते हुए टर्की टर्की जो ओटामान का हेड हुआ करता था उस टाइम फ्रेम में, ओटामान एम्पायर का, वहां पर खिलाफत को डीथ्रोन किया गया था, खिलाफत को कहीं ना कहीं डिसबैन करने की कोशिश की गई थी। एंड फाइनली 1924 में पूरी तरीके से खिलाफत को अबॉलिश करके टर्की को जो है एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर कंट्री की तरह पब्लिश किया गया था, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अली ब्रदर्स जो कि इंडिया में खिलाफत मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले प्रोमिनेंट दो पर्सनैलिटीज, शौकत अली, यहां पर आप पिक्चर देख सकते हैं, ये शौकत अली एंड ही इज मोहम्मद अली जौहर, ठीक है, दोनों ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं। इन दोनों के साथ मिलकर ही गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया हुआ था। In 1920, Turkey was made a secular state under किसके लीडरशिप में? देखिए, यू आर राइटिंग दिस नेम, यू डोंट इवन नो हु ही इज। ये रिकैप था, ये रेडिगन साहब तो अभी करंट चल रहे हैं, 1924 में तो वो थे भी नहीं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज मुस्तफा कमाल पाशा, फादर ऑफ मॉडर्न टर्की, मुस्तफा कमाल अतातुर्क भी ने कहा जाता है, ठीक है। सो ही वॉज द पर्सन हु लेड द यू नो रेवोल्यूशन अगेंस्ट द ओटामंस, और वहां पर ब्रिटिश वालों की मदद से जो है उन्होंने टर्की को एक सेक्युलर स्टेट बनाया हुआ था, ठीक है। आज जैसा आप टर्की को देख रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस पर्सनालिटी, मुस्तफा कमाल पाशा। सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन टुक प्लेस इन, बहुत ही क्रूशियल है बच्चों ये बैटल, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। सेशन को लाइक करो, द रिटर्न विच वी आस्क फ्रॉम यू इज लव एंड सपोर्ट। कई बच्चों ने लाइक नहीं किया, अटेंडेंस लगाओ क्विक।
मैंने पूछा सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन, अच्छा बैटल ऑफ टेरेन किसके बीच हुई थी बच्चों? ओके गुड, द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन टुक प्लेस इन 1191 एंड द सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन टुक प्लेस इन 1192। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी, या मोहम्मद ऑफ घुर जिन्हें हम कहते हैं, मोहम्मद घोरी आप बेहतर जानते हैं नाम, तो मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये लड़ाई हुई थी बच्चों, ठीक है। इस्लामी इन्फ्लक्स पहले सिंध के रीजन में, अरब के रीजन में 711 AD एज अर्ली एज दैट ही आया हुआ था, मोहम्मद खासिम आए हुए थे, लेकिन उतना फैला नहीं उस वक्त, ठीक है। तो सिंध और यू नो पंजाब के रीजन से ही, कश्मीर साइड से ही वो वापस चले गए थे अरब्स। बाद में टर्को अफगान जो थे वो फुल फ्लेज्ड एक कॉन्क्वेस्ट पॉलिसी को लेकर आगे आने के लिए वो बहुत ही कोशिश कर रहे थे। तो उस वक्त राजपुताना यहाँ पर चल रहा था, राजपुताना कॉन्फेडरेसी यहाँ पर चल रहे थे, तो वहां पर पृथ्वीराज चौहान वाज वन ऑफ द मोस्ट करिस्मेटिक लीडर्स वाज रूलिंग। तो 1191 AD मोहम्मद ऑफ घुरी लॉस्ट टू पृथ्वीराज चौहान, बट वन बिगेस्ट मिस्टेक विच पृथ्वीराज चौहान डिड वॉज यू नो मिस कैलकुलेटिंग द पावर ऑफ मोहम्मद घुर। तो ये बेचारा बहुत बुरी तरीके से हारा हुआ था मोहम्मद घोरी, वो वापिस नहीं गया अफगान को, वो वापिस नहीं गया टर्को अफगान के रीजन को, वही बॉर्डर्स पर बैठा रहा, ठीक है, राजस्थान गुजरात के रीजन के, सिंध के रीजन के बॉर्डर्स पर ही वो बैठा रहा। और इमीडिएटली द नेक्स्ट ईयर ही स्ट्राइक्स 1192 एंड दिस इज वेयर ही ब्रूटली बुचर्स एंड ही कॉन्क्वर्स द वेरी रीजन। सो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड जो उस वक्त था राजपुताना कॉन्फेडरेसीज का, तो वो तोड़ा गया हुआ था, और थ्रू दिस द वेरी इन्फ्लक्स ऑफ टर्को अफगान्स कम्स इन इंडिया, ठीक है, हम हिस्ट्री में इसके बारे में फिर कभी पढ़ेंगे। एंड वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई दिस बैटल ऑफ टेरेन इज क्वाइट इन्फ्लुएंशियल, बिकॉज इसके बाद ही जो है स्पेसिफिकली हमें कई सेंट्रल एशियन नेशन से कई सूफियों के आने को भी देखने को मिलता है। इससे पहले उन्हें अलाव नहीं किया जाता था इंडिया में, ठीक है। आफ्टर दिस बैटल इवन अभी जिनके बारे में हमने बात की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उन्होंने भी इस बैटल के बाद ही इंडिया में वो आए हुए थे, जहां पर वो अजमेर में आए हुए थे, ठीक है, एंड स्लोली ही स्टार्टेड प्रीचिंग देयर, ठीक है। तो इसी के आसपास ये सभी टाइम फ्रेम चल रहा था। तो बैटल ऑफ टेरेन इज वेरी वेरी मच मोर इंपॉर्टेंट। चिश्तिया ऑर्डर वॉज फाउंडेड इन इंडिया बाई, चार ऑर्डर्स हैं मैंने कहा बच्चा, चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं। मेडिवल इंडिया में भक्ति मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट, एनडीए के लिए हो, सीडीएस के लिए हो, सीएपीएफ वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, भक्ति से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है वो। यूपीएससी इज ऑब्सेस्ड विद भक्ति एंड सूफिज्म। ओके द करेक्ट आंसर हियर इज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। देखो दीज फोर पर्सनैलिटीज आर फाउंडर्स ऑफ दीज फोर सूफी सिलसिलास, सोहरवर्दी सिलसिला, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, दरअसल ये इनके नाम के सफिक्स और प्रीफिक्सेस हुआ करते थे, ठीक है। तो नक्शबंदी ऑर्डर ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी उसके फाउंडर थे, और कादर या अब्दुल कादर जिलानी भी आप कह सकते हैं, ठीक है, अब्दुल कादर जो है वो शेख अब्दुल कादर कादरिया सिलसिले के फाउंडर है, ठीक है। तो इंडिया में चारों के चारों प्रोमिनेंट है, लेकिन डोमिनेटिंग चिश्ती और कादरिया है। साउथ में आपको कादरिया सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, और नॉर्थ साइड चिश्ती आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च किया गया था बच्चों? सेशन को लाइक करो बच्चों, अभी 100 भी क्रॉस नहीं किया हमने, क्विक। ओके गुड, द करेक्ट आंसर इज 2014 में हमने मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया हुआ था। इंडिया के वायसराय कौन थे बच्चों चौरी चौरा इंसिडेंट के टाइम फ्रेम में? ध्यान से पढ़कर बताओ, हु वाज वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द चौरी चौरा इंसिडेंट, यानी कि 4 फरवरी 1922, या पर 1922 भी कह लें काफी है। देखिए लॉर्ड अरविंद तो 1930s में थे, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कब आते हैं 1909 में आते हैं, मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कब आते हैं 1919 में, तो बचे एक लॉर्ड रीडिंग जो कि 1920s में थे, ठीक है, और चौरी चौरा इंसिडेंट इन्हीं के टाइम फ्रेम में हुआ था, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, द करेक्ट आंसर इज सी।
No, Irwin Pact is not associated with Chauri Chaura incident. Irwin Pact is associated with civil disobedience movement. ठीक है? नीति आयोग के करंट चेयरमैन कौन है बच्चों? फटाफट से बताओ, बहुत ही आसान है. पिक्चर भी लगाया हुआ है बच्चों, मैंने पिक्चर भी लगाया हुआ है. मैं क्या करूं अब, इससे आसान चीज और क्या हो सकती है. ठीक है, ओके गुड. द करेक्ट आंसर इज नरेंद्र मोदी. ठीक है. ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ही इज वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, डॉक्टर राजीव कुमार. ठीक है, अमिताभ कांत इज एक्चुअली सीईओ ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के सीईओ हैं, लेकिन मोदी जी इज करेंट चेयरमैन. ठीक है, मोदी जी इज द करेक्ट आंसर, नरेंद्र मोदी. मोदी जी देख लेंगे तुम्हारा क्या हाल होगा इंडिया सीडीएस में. ठीक है, व्हाट विल यू डू मैन, फॉरगिव मोदी जी, हमारे बच्चे इनोसेंट है. ठीक है, बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, करंट कैप्टन ऑफ अंडर 19 इंडियन क्रिकेट टीम कौन है बच्चों? ये देखो, पांच बार हमने जीता हुआ था. सबसे पहली बार हमने जीता हुआ था 2000 में श्रीलंका के खिलाफ, दूसरी बार हमने जीता हुआ था 2008 मलेशिया के खिलाफ, तीसरी बार हमने न्यूजीलैंड को हराया हुआ था. ठीक है, चौथी बार भी न्यूजीलैंड को हराया हुआ था, और पांचवीं बार हमने वेस्ट इंडीज, नहीं नहीं होस्ट, सॉरी, ये होस्ट है बच्चों. ठीक है, दीज आर होस्ट. ओके गुड, दीज आर होस्ट. ठीक है, तो 2000, 2008, 2012 और 2018 और 2022 पांच हमने सीरीज सेशंस जीते हुए थे. गुड, ओके, द करेक्ट आंसर इज ए, यश धुल. यही है हमारा नौजवान लौंडा जिसने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता हुआ है. ठीक है, सो लेट अस विश यश के वो बहुत ही अच्छे आगे बढ़े. ठीक है, और जैसा अंडर 19 में उन्होंने झंडे गाड़े हुए, उसी तरीके से अबव 19 की टीम में भी वो आ जाए. ठीक है, ओके, सो दैट वॉज द लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर टूडे. मूविंग टूवर्ड्स रिव्यू क्वेश्चन. लता मंगेशकर वोन द दादा साहब फाल्के अवार्ड इन विच ईयर? ठीक है, अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा है कि शी इज नॉट इन बिटवीन अस. ठीक है, उनके गाने बहुत ही पसंद है मुझे, मुझे ही नहीं सभी को. ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड वी लव हर वॉइस. सो कब दिया गया था उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड? 1969, 1989, 1999 या 2001? ठीक है, कल के सेशन में आपको इसका आंसर मिलेगा. बिफोर यू लीव, दिस आर ऑल द कोर्सेस विच वी प्रोवाइड. अलग अलग बंडल्स भी अवेलेबल है बच्चों, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें. टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है हमारे पास. ठीक है, और लेक्चर का पीडीएफ जैसे कि आप सभी को पता है, ऐप में जब आप कोर्स या बंडल खरीदेंगे, देयर विल फाइंड डेली करंट अफेयर्स एंड डिफेंस अपडेट्स. दूसरा, हमारे वेबसाइट ssbcrackexams.com को भी विजिट करते रहिए, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब के कम्युनिटी पेज को भी फॉलो करते रहिए. एंड वॉरियर 10 इज द कोड विच यू शुड यूज सो दैट यू गेट flat 10% discount. Meet you in the next session. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. Jai Hind.